एनाग्राम इंग्लिश ग्रामर में एक बहुत ही मज़े और अमेजिंग किस्म का पार्ट है, तो हम इस वीडियो में इसका ओरिजिन, डेफिनेशन, एग्जांपल, रूल, टाइप, चूजिंग एंड टेक्निक्स देखेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इंग्लिश सीकर 9। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग माई वीडियो। सो द ओरिजिन ऑफ द वर्ड एनाग्राम इज़ फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज, एंड एना मीन्स अप बैक और ग्राम मीन्स लेटर, मतलब लफ्ज़ों को ऊपर नीचे या बैक कर देना। तो अभी हम डेफिनेशन के थ्रू इसको प्रॉपरली समझेंगे, लेकिन जो वर्ड स्ट्रक्चर था वो आपको ये ओरिजिन इसका दिखा दिया। सो द डेफिनेशन ऑफ एनाग्राम ये है कि एक वर्ड या फ्रेज जो बनी हो या ट्रांसपोज्ड हुई हो बाय रीअरेंजिंग द लेटर्स ऑफ एन अदर वर्ड और फ्रेज, मतलब आपके पास एक वर्ड है उसके जो लेटर्स थे 5 थे 6 थे, आपने उनको रीअरेंज किया और उनकी रीअरेंजमेंट की वजह से एक नया वर्ड जिसका मीनिंग है वो बना, तो उसको एनाग्राम कहेंगे। एंड टिपिकली यूजिंग ऑल द ओरिजिनल लेटर एग्जैक्टली वंस, मतलब जितने उसमें और जो जो लेटर उसमें इस्तेमाल हुए हैं उन्हीं को यूज़ करके, लेकिन रीअरेंज करके, किसी को पहला किसी को दूसरे अरेंज करके जो वर्ड बनेगा उसको एनाग्राम कहेंगे। एन एग्जाम्पल इज लेटर्स ऑफ बैटल टू फॉर्म टैबलेट। अब आप बैटल में देखें तो 6 लेटर्स हैं, टैबलेट में भी 6 हैं, और बैटल में जो जो लेटर हैं BATTLE टैबलेट में भी वही लेटर्स होंगे। एंड आपने एक और चीज़ को फोकस में रखना है कि जो बैटल है ये वर्ड है और इसका एनाग्राम जो है वो टैबलेट है, मतलब वर्ड का एनाग्राम बनता है। आपने ये बैटल को एनाग्राम नहीं कह देना, मतलब बैटल वर्ड था और उससे उसके लेटर्स को रीअरेंज करके जो बनेगा उसको हम एनाग्राम कहेंगे। एंड एनाग्राम बनाने का रूल भी है, और ये है कि जो लेटर वर्ड में होंगे वो तमाम यूज़ होने चाहिए, और जो न्यू वर्ड या फ्रेज बन रही है वो मीनिंगफुल होनी चाहिए और उसका मतलब मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए। ये नहीं है कि आप अरेंज करके कुछ भी बना दें जिसका डिक्शनरी में नामो निशान ही ना हो, बट आपकी अरेंजमेंट से ऐसा वर्ड जो बन रहा है उसका एक प्रॉपर मीनिंग हो, ये सिंबल हो, कुछ भी हो, मतलब एक प्रॉपर मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट हो उसका। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप्स ऑफ एनाग्राम। तो उसकी 2 टाइप्स हैं, परफेक्ट एनाग्राम एंड इम्परफेक्ट एनाग्राम। परफेक्ट एनाग्राम ये होता है कि जब दोनों वर्ड्स जो हैं वो रियल वर्ड्स हैं, मतलब जैसे मैंने आपको रूल बताया कि वर्ड से आप जो एनाग्राम बना रहे हैं उसका भी एक मीनिंग होना चाहिए, वो ये ना हो कि डिक्शनरी में एग्जिस्ट ही ना करता हो। तो जब डिक्शनरी में एग्जिस्ट करता है उसका प्रॉपर मीनिंग है, जैसे टैबलेट और बैटल ये दोनों मीनिंगफुल हैं, तो इसको फिर परफेक्ट एनाग्राम कहेंगे। इम्परफेक्ट ये होता है कि जब आप रीअरेंज करते हैं तो एक न्यू फ्रेज और सेंटेंस बनता है जो कि पिछले तमाम लेटर्स पूरे नहीं होते, मतलब पीछे में 7 लेटर्स हैं तो नेक्स्ट में 5 होगा और वर्ड बन जाएगा, या फिर एडिशन हो जाती है किसी भी वर्ड की, जैसे कन्वर्सेशन है तो कन्वर्सेशन हो जाएगा। अब कन्वर्सेशन से वोकेशन बन गया, अब कन्वर्सेशन में आप देखें तो कहीं 12-13 लेटर हैं, बट वोकेशन में आप देखेंगे सिर्फ 8 लेटर्स हैं, तो ये इम्परफेक्ट एनाग्राम्स होते हैं। एंड नाउ द यूजेज ऑफ एनाग्राम, ये बहुत फनीस्ट और बहुत मज़े का है, जिसका इस्तेमाल गेम्स में हो सकता है, वर्ड गेम्स में लाइक स्क्रबल और वर्ड सर्चेज, पजल्स में और वर्ड प्ले में, कुछ भी गेम हो सकती है। आपने अरेंज बहुत सारे आपको बंडल्स ऑफ लेटर मिलेंगे, आपने उनमें से वर्ड्स चूज़ करने हैं, बनाने आई मीन टू से। सो मॉडर्न यूज जो इसका वो क्रिप्टोग्राफी, मतलब एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे सीक्रेट कोडिंग के ज़रिए मैसेज कन्वे होता है, और इसलिए होता है कि सिर्फ जो रीडर है वो ही इसको इनकोड कर सके, लाइक बैंक्स कार्ड्स हो गए, कंप्यूटर, ई कॉमर्स में इसका यूज़ होता है, तो इस तरह। एंड टेक्निक्स टिप्स जो हैं वो एनाग्राम क्रिएट करने की ये हैं कि आप कोई भी लेटर राइट डाउन करें और उसको एक्सपेरिमेंट करें, उस प्रैक्टिस करें डिफरेंट कम्बिनेशन की, और ट्राई करें कि एक ऐसा वर्ड बने, ऐसा कम्बिनेशन क्रिएट हो जो मीनिंगफुल हो। होपफुली आपको एनाग्राम बहुत ही डिटेल में क्लियर हो गया होगा। सो अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, कोई क्वेरी है तो आप वो भी पूछ सकते हैं, आंसर। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।